प्यारे बच्चों, हिंदी के 11वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं माया सिंह, प्रवक्ता हिंदी, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो। प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। जी हाँ बच्चों, मैं पर्वतराज हिमालय की बात कर रही हूँ, जो हमें प्रेरणा देता है निडर बनने का, दृढ़ निश्चय बनने का, सदैव ही मुसीबतों का डट कर सामना करने का, और प्रहरी की भांति सदैव ही भारत माता की रक्षा करने का, लोगों की सेवा करने का। आज हम इसी हिमालय को लेकर उपस्थित हैं। हमारे अध्याय का नाम है हिमालय, जिसे हिंदी में संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका के चतुर्थ पाठ के रूप में पढ़ना है। हम अपने अध्ययन अध्यापन को शुरू करने से पूर्व यह जानते हैं कि आज हमारे अध्ययन अध्यापन का उद्देश्य क्या है, पाठ का उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम हिमालय के महत्व को समझना। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि हिमालय पाठ के गद्यांश का अनुवाद जानना। तीसरा है कठिन शब्दों का अर्थ जानना। और चौथा है पाठ में आए हुए शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से जानना। बच्चों, सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि हिमालय का अर्थ क्या है। हिम और आलय दो शब्दों से मिलकर यह बना है। हिम का अर्थ है बर्फ और आलय का अर्थ है घर, अर्थात बर्फ का घर, क्योंकि बच्चों हिमालय सदैव ही बर्फ से ढका रहता है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा आच्छादित क्षेत्र माना जाता है। बच्चों, हिमालय का महत्व तो प्राचीन काल से ही स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसी हिमालय की गोद में माँ पार्वती का जन्म हुआ था। इसी हिमालय पर कैलाश शिखर है, जो महादेव का स्थान माना जाता है। बच्चों, हिमालय को तीर्थ स्थल के रूप में भी स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसी पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थल हैं। बच्चों, हिमालय से ही गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां निकलती हैं, जो यहाँ की भूमि को शस्य श्यामलाम बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं। बच्चों, हिमालय के ही कारण भारत में मानसून की मूसलाधार बारिश होती है। इसी के कारण भारत में प्रचुर मात्रा में कृषि संभव हो पाता है। बच्चों, हिमालय पर ही जड़ी बूटियां हैं, हिमालय जड़ी बूटियों से संपन्न है, जड़ी बूटियों का स्रोत है, भंडार है, और यह व्यक्ति को रोगों से दूर करता है, मुक्त करता है। हिमालय की एक और बड़ी विशेष बात यह है कि यह भारत माता का मुकुट है। भारत माता के मुकुट के समान इसे माना गया है, और यह प्रहरी की भांति सदैव ही भारत माता की रक्षा करता है। अब हम आते हैं अपने मूल पाठ की तरफ, हिमालय के गद्यांश की तरफ, जिसे मैं पढ़ती हूँ और पुनः उसका अनुवाद करूँगी। भारत देशस्य सुविस्तृतयाम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालयः इति नामना विधीयते जनैः। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति, अतएव लोका एनं पर्वतराजं कथयन्ति। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छिदतानि तिष्ठन्ति, अत एवास्य हिमालयः इति हिमगिरिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम्। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतिनि अस्य शिखराणि जगति उन्नततमानि सन्ति। अस्य अधित्यकायां त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशाः पूर्ण सत्ता संपन्ना, कश्मीर हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम मणिपुर प्रभृतियः भारतीयाः प्रदेशाः
सन्ति। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागोपि हिमालय अस्यैव प्रांतरे तिष्ठति। अब मैं इसका अनुवाद करती हूँ। भारत देश के सुविस्तृतियाँ अत्यधिक विस्तृत उत्तरश्याम दिशि उत्तर दिशा में स्थितोगिरी स्थित पर्वत को पर्वत राजो हिमालय इति नामना विधीयते जनैः। लोग पर्वत राज हिमालय के नाम से पुकारते हैं। भारत देश के विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत को पर्वत राज हिमालय के नाम से लोग पुकारते हैं। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति। अस्य इसकी महोच्चानि ऊंची बहुत ऊंची शिखराणि चोटियां जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। इसकी ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोका एनम पर्वत राजम कथयन्ति। अतएव इसलिए लोका लोग एनम इसे पर्वत राज कथयन्ति का अर्थ है कहते हैं। इसलिए लोग इसे पर्वत राज कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमय आच्छिदतानि तिष्ठन्। अस्योन्नतानि इसकी ऊंची चोटियां सदैव ही हिम से यानी बर्फ से आच्छिदतानि ढकी रहती हैं। इसकी ऊंची चोटियां सदैव ही बर्फ से ढकी रहती हैं। अत एवास्य हिमालय इति हिमगिरि रित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम्। अत एवास्य इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरि नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरी शंकर प्रभृतिनी अस्य शिखराणि जगति उन्नततमानि सन्ति। एवरेस्ट गौरी शंकर प्रभृतिनी का आशय है आदि। इसकी चोटियां संसार में उन्नततमानि सबसे ऊंची सन्ति का अर्थ है। अस्य अधित्यकायाम त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशा पूर्ण सत्ता संपन्ना। इसकी ऊपरी सतह पर पठारी भाग पर तिब्बत नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न है। कश्मीर हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम मणिपुर प्रभृतिय भारतीया प्रदेशा सन्ति। कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य भारतीयो भागो अपि हिमालय अस्यैव प्रांतरे तिष्ठत। उत्तर भारत के पर्वतीय भाग अपि का अर्थ भी हिमालय के इसी प्रांतर में स्थित है इसी अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। एक बार पुनः देखते हैं। भारत देश के विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत को लोग पर्वत राज हिमालय के नाम से पुकारते हैं। इसकी ऊंची चोटियां संसार में सभी पर्वतों को जीतती हैं। इसलिए लोग इसे पर्वत राज कहते हैं। इसकी ऊंची चोटियां सदैव ही बर्फ से ढकी रहती हैं। इसलिए इसका हिमालय और हिमगिर नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरी शंकर आदि इसकी चोटियां संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य इसकी ऊपरी सतह पर तिब्बत नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न है। कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। अब हम अगले भाग पे चलते हैं। अयम पर्वत राजः भारतवर्षस्य उत्तर सिम्नि स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततम् रक्षति। हिमालयादेव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्यः शतद्रि विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवम स्वकीयैः तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमां शस्यश्यामलामपि कुर्वन्ति। अयम् ये पर्वतराज
भारत वर्ष के उत्तर सीमा पर स्थित प्रहरी की भांति शत्रुओं से सततम रक्षति, सदैव उसकी रक्षा करती है। ये पर्वतराज भारत वर्ष के उत्तर सीमा पर स्थित प्रहरी की भांति उसकी सदैव रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्र गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या महानद्यः। हिमालयादेव हिमालय से समुद्र गम्य निकल करके गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नामक महानदी और सतद्र विपासा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृत्यः नद्यश्च। और सतद्र का आशय है सतलज, विपासा का आशय है व्यास, यमुना सरयू गंडक नारायणी और कौशिकी यानी कोशी नदी, प्रभृतियः आदि नद्यश्च नदी। समस्तामपि समस्त उत्तर भारत भूमि को स्वकीय अपने तीर्थोदकय पवित्र जल से न केवल पवित्र करती है अपितु इमाम सस्य श्यामलाम अपि कुर्वन्ती, बल्कि इसको अन्न से हरी भरी भी करती है। एक बार पुनः देखते हैं, यह पर्वतराज भारत वर्ष के उत्तर सीमा पर स्थित प्रहरी की भांति उसकी सदैव रक्षा शत्रुओं से करता है। हिमालय से निकल करके गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नामक महानदी सतलज व्यास यमुना सरयू गंडक नारायणी कौशिकी आदि नदी समस्त उत्तर भारत भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती है बल्कि इसको अन्न से हरी भरी भी करती हैं। आगे हम चलते हैं। अस्योपत्यकासु सुदीर्घाः वनराजयो विराजन्ते यत्र विविधाः औषधयो वनस्पतयस्तर्वश्च तिष्ठन्ति। इमाः औषधयः जनान् आमेभ्यो रक्षन्ति। तर्वश्च आसन्द्यादि गृहोपकरण निर्माणार्थं प्रयुज्यन्ते। हिमालय वर्षर्तौ दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षणाय प्रवर्तयति। अस्य उपत्यकासु इसकी तलहटी में इसकी घाटियों में सुदीर्घा बहुत विशाल वन राज्यों वन का समूह विराजन्ते विराजमान है। इसकी तलहटी में विशाल वन राज विराजमान है। यत्र जहाँ विविध औषधियों विविध प्रकार के औषधि वनस्पतियाँ और तर्वश्च और वृक्ष है, जहाँ विविध प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमाः औषधयः जनान् आमेभ्यो रक्षन्ति। यह औषधि लोगों की रोगों से रक्षा करती है। आमेभ्यो का अर्थ है रोगों से। तर्वश्च आसन्द्यादि गृहोपकरण निर्माणार्थं प्रयुज्यन्ते और वृक्ष आसन्द्यादि गृहोपकरण निर्माणार्थं घरेलू उपकरणों के निर्माण में प्रयुज्यन्ते प्रयोग किया जाता है। और वृक्ष का आसन आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। हिमालय वर्षर्तौ दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध्य वर्षणाय ताः प्रवर्तयति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण के समुद्र से समुत्थिता का अर्थ है उठने वाली मेघमालाओं को अवरुद्ध का अर्थ रोक करके वर्षा के रूप में प्रवर्तित करता है। एक बार पुनः देखते हैं, इसकी तलहटी में विशाल वनराज विराजमान है, जहाँ विविध प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं और वृक्ष आसन आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण से उठने वाले मेघमालाओं को रोक करके वर्षा के रूप में प्रवर्तित करता है। आगे है,
अस्य पत्रिकायां विद्यमान कश्मीरो देश स्वकियाभि सुषमाभि भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके ततश्च पूर्वश्याम दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धः आसीत्। अद्यापि कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्मार्तौ बलादिव भ्रमणाय आकर्षयन्ति। एभ्योऽपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते। अस्य उपत्यकायां इसकी तलहटी में विद्यमान कश्मीर देश स्वकिया भी अपने सुषमा भी सौंदर्य के कारण भूस्वर्ग भूमि का स्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवति लोके संसार में भूस्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। इसकी तलहटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुषमा के कारण संसार में भूस्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ततश्च पूर्वस्याम दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत्। और इसके पूर्व में स्थित किन्नर देश देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। आज भी कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयम प्रदेश रमणीयतया केषां मनो न हरति। आज भी कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध प्रदेश रमणीयता के कारण केषां मनो न हरति का अर्थ है किसका मन नहीं हर लेता। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल प्रभृतिनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्मार्तौ बलादिव भ्रमणाय आकर्षयन्ति। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञा अभिधीयते। एभ्यो अपि इसके भी पूर्वस्मिन् पूर्व भागे अवस्थितः भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेश कामरूपतया अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप के नाम से पुकारा जाता है। एक बार पुनः देखते हैं, इसके तलहटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के कारण लोक में संसार में भूस्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। इसके पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। आज भी कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी रमणीयता के कारण किसका मन नहीं हरता। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। इसके भी पूर्व भाग में स्थित रमणीय प्रदेश अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलने के कारण कामरूप की के नाम से पुकारा जाता है। पढ़ते हैं, अस्यैव कन्दराशु तपस्यन्तः अनेके ऋषियो मुनयश्च परां सिद्धिं प्राप्नुवन्तः अस्य सिद्धिमत्त्वं विलोक्यै उपवरे गिरिणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो जायत इत्यादि कथयन्तः। वैदिका ऋषयः अस्य महत्त्वं स्वीकृतवन्तः पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धिनां प्रदातु शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलाश शिखरे स्वीकृतम् अस्ति। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ केदारनाथ
पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतिनी तीर्थस्थानानि सन्ति। अस्यैव कन्दरास, इसकी कन्दराओं में, इसके गुफाओं में तपस्यन्तः, तपस्या करके अनेके ऋषियों मुनियश्च, अनेक ऋषि और मुनियों ने पराम सिद्धिम प्राप्नवन्तः, परम सिद्धि को प्राप्त किया। अस्य सिद्धिमत्तो विलोक्यै, अस्य सिद्धिमत्तम विलोक्यै, इसके सिद्धिमता को विलोक्यै का अर्थ है देख करके। उपवरे गिरिणाम, पर्वतों की गुफाओं में, संगमे च नदीनाम, और नदियों के संगम पर, धिया बुद्धिमान, विप्र जायत, विप्र जन्म लिए थे या विप्र हुए थे, इत्यादि कथयन्तः, ऐसा कहते हुए वैदिका ऋषय, वैदिक ऋषि अस्य महत्वम स्वीकृतवन्तः, इसके महत्व को स्वीकार किए थे। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धिनां प्रदातुः शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलाश शिखरे स्वीकृतम् अस्ति, अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतिनी तीर्थस्थानानि सन्ति। पुराणेषु, पुराणों में सभी विधानां, सभी विधाओं से सिद्धिनां, सिद्धि को प्रदातु, प्रदान करने वाले, शिवस्य स्थानम, शिव का स्थान, अस्यैव इसी पर्वतस्य, पर्वत के कैलाश शिखरे स्वीकृतम अस्ति, कैलाश शिखर को स्वीकार किया गया है। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, इसी के प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान है। एक बार पुनः देखते हैं, इसकी कंदराओं में तपस्या करके अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया। इसके सिद्धिमत्व को देख करके पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम पर बुद्धिमान पंडित हुए, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया। पुराणों में सर्वविधानां, सभी विधाओं से सिद्धि प्रदान करने वाले शिव का स्थान, इसी पर्वत के कैलाश शिखर को स्वीकार किया गया। इसके प्रदेश में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान है। अतएव पर्वत राजो अयम हिमालय रक्षकतया, पालकतया, सर्वौषधभिः संरक्षकतया, सर्वसिद्धि प्रदातृतया च भारतेषु जनेषु सुतराम समादृतः पर्वत राजः इति। अतएव इस प्रकार पर्वत राजो अयम, यह पर्वत राज हिमालय रक्षक होने के कारण, पालक होने के कारण और सभी औषधियों के संरक्षक होने के कारण, सभी सिद्धियों को प्रदान करने के कारण, प्रदाता होने के कारण भारतीय लोगों में अत्यधिक सम्मानित है। अब हम बच्चों आते हैं अपने व्याकरण पे। इस पाठ में जो शब्द आए हैं उसको भी हम व्याकरण की दृष्टि से जान लेते हैं। हिमालय, जो पाठ का हमारे नाम ही है, हिम और आलय दो शब्दों से मिलकर बना है और यह दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि अ और आ मिलकर के आ हो गया है, इसलिए इसमें दीर्घ स्वर संधि है। पुराण प्रसिद्धस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, महोच्चान महा और उच्चान गुण स्वर संधि है, क्योंकि आ और ऊ मिलकर के ओ हो गया है। प्रतिवर्षम अव्यय भाव समास है। हिमय तृतीया विभक्ति बहुवचन है। उपत्यकाशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। जनेषु भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। प्रष्टुम तुमुन प्रत्यय है। अतर्वह तरु शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। वर्षणाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। प्रहरीव, प्रहरी और इव
ये भी दीर्घ स्वर संधि है। बच्चों अब हम आते हैं अपने अनुवाद के प्रारूप पे, जो हमारे प्रश्न पत्र में पूछा जाता है उसे किस प्रकार करना है हम जान लेते हैं। गद्यांश दिया होगा, उसका सर्वप्रथम आपको संदर्भ लिखना होता है, जिसमें आप लोग पहले से ही लिखते चले आ रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत दिग्दर्शिका के हिमालय पाठ से अवतरित है। यह लिखने के बाद आप लोग उस संबंधित गद्यांश का अनुवाद करेंगे। बच्चों अब हम आते हैं अभ्यास कार्य पे। साहित्यिक हिंदी के लिए दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य हिंदी के लिए ये अनुवाद पूछा जाता है। पहला हम देखते हैं क्या प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिखिए। पहला उसमें प्रश्न है, उत्तरस्याम दिशि स्थितः प्रहरीव कः भारत देशम शत्रुभ्यः रक्षति। दूसरा प्रश्न है, कः देश भूस्वर्ग इति संज्ञा अभिहितो भवति। और दूसरा प्रश्न है, गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। गद्यांश है, यह अयम पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तर सिमनी स्थितः तत प्रहरीव शत्रुभ्यः सततम् रक्षति हिमालयादेव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्य शतद्र विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं स्वकीयैः तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमां शस्यश्यामलामपि कुर्वन्ति। बच्चों अब हम आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर और मुख्य पड़ाव पर, संप्राप्ति। हमने इस अध्याय को पढ़ा, समझा, अनुभूति भी किया। बच्चों हमने यह जाना कि हिमालय ही वह प्रहरी है जो हमारे भारत माता की सदैव रक्षा करता है, और हिमालय ही जड़ी बूटियों का स्रोत है, भंडार है, जो लोगों की रोगों से रक्षा करता है। इसके साथ ही हिमालय से ही नदियाँ निकलती हैं जो भूमि को शस्य श्यामलाम बनाती हैं, और हिमालय के ही कारण भारत में मानसून की मूसलाधार बारिश होती है, जिसके कारण यह भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। बच्चों इतना जब हम ले रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य दायित्व बनता है कि हिमालय का संरक्षण करें। प्रकृति से हम सब कुछ ले रहे हैं तो प्रकृति को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखें। बच्चों इतनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय, हमको रक्षा इसकी करनी, कहती है यह हमसे जननी, यह पहचान संस्कृति की है, इसमें शान निहित है अपनी। इसी संदेश के साथ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः मिलेंगे नई कार्य योजना के साथ, नई पाठ योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।